everyone, welcome back to my channel Five Styles, and I'm back again with another video. So today's video is again a haul video, and yes, you guessed it right, it's again from amazon.in. so ये मार्च का वेरी फर्स्ट वीडियो है जो कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ, एंड ये वाला वीडियो जो है वो होने वाला है ज्वेलरी हॉल वीडियो. इस टाइम पर मैंने हैवी ज्वेलरी बाई नहीं की है एक्सेप्ट वन सेट. जितनी भी ज्वेलरीज मैंने बाय की हैं वो सारी डेंटी पीसेज हैं एंड डेली वेयर पीसेज हैं जो कि आप यू नो डेली वेयर में वेयर कर सकते हो एंड ईजिली आप उनको कैरी कर सकते हो. ये कुछ 10 to 15 पीसेज मंगाए हैं बट मुझे रिसीव हुए हैं अभी 5 to 6 पीसेज. सो आई जस्ट थॉट कि यू नो टू पार्ट्स में मैं ये वीडियो डालूंगी. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पार्ट, एंड इसमें मैं सारे जो भी डेंटी पीसेज हैं वो सारे पीसेज मैं दिखाने वाली हूँ आज आपको. सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट इस हॉल वीडियो का ये है जो कि मैंने ऑलरेडी वेयर कर लिया है. सो दिस इज़ अ चेन विद बटरफ्लाइज, हैंगिंग बटरफ्लाइज आप देख सकते हैं. दीज आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा डेंटी पीस है, लाइट पीस है. आप इसको ईजली डेली वेयर में कैरी कर सकते हैं. अगर आप यू नो इफ़ यू आर कॉलेज गोइंग गर्ल तो आप इसको आराम से यू नो वन पीसेस पे या टॉप्स पे वेयर कर सकते हैं. ऑफिस गोइंग गर्ल तो भी आप इसको बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं. बहुत सिंपल एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगती है. यू जस्ट वॉन्ट सम डेंटी पीसेज या बहुत छोटा सा सॉफ्ट सा पीस आपको कुछ चाहिए, सो दिस इज़ द वन. एंड इसका जो शाइन है मेटेलिक गोल्ड, तो ये बहुत ज़्यादा शाइन नहीं करता, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं लगता है एंड फेक नहीं लगता है. सो आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं एंड आई जस्ट लव इट. 2-5 बटरफ्लाइज दी जाती हैं आपको इसमें. आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. सो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ आपको, इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेज है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे, एंड जो बाइंग लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो अगर आपको कुछ भी चीज़ बाय करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पे क्लिक करके आप इजीली बाय कर सकते हैं. सिंगल माय हॉल स्टोर की लिंक भी मिल जाएगी जहाँ पे क्लिक करके आपको ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक ही पेज पे देखने को मिल जाएंगे. तो अगर आपको परचेज नहीं करना है, सिर्फ देखना है, तो सारे प्रोडक्ट्स आपको सिंगल लिंक पे मिल जाएंगे. देन द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ ईयर रिंग. तो ये इस तरीके की ईयर रिंग्स हैं यहाँ पे. लेट मी जस्ट ओपन इट एंड शो टू यू. और ऐसे ईयर रिंग्स हैं ये. सो दीज आर दिस काइंड ऑफ ईयर रिंग्स. एंड सो आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा यू नो एलिगेंट लग रहे हैं. ये प्योर यहाँ पे जरकन के नग लगे हुए हैं एंड ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे गोल्ड में दिया गया है. सो दिस इज़ रियली गुड और बहुत ज़्यादा स्टर्डी हैं. आपको ईजली आप इनको अच्छे से कैरी कर सकते हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि अगर आप इनको डेली भी वेयर करेंगे तो कुछ इनका बिगड़ेगा, बिकॉज ये जो स्टोन्स लगे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंटैक्ट हैं एंड ये बहुत ज़्यादा एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं. बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं ये, तो ईज़िली आप इनको यू नो फुल डे वेयर करना है आपको तो आप इनको ईज़िली फुल डे में भी कैरी कर सकते हैं. बहुत अच्छे से यू नो मैनेज हो जाएंगे. तो आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा यू नो ब्यूटीफुल लग रहे हैं एंड ये बहुत अच्छे से आपके किसी भी वेस्टर्न वेयर पे या फिर किसी भी यू नो वाइट कुर्ती, ब्लैक कुर्ती, किसी भी सॉलिड कुर्ती के साथ बहुत अच्छे से जाएंगे. ऑल्सो आप इनको साड़ी के साथ भी वेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लगने वाले हैं. एंड ये वाले जो इयर रिंग्स थे वो जावेरी पर्ल्स से थे. अब द नेक्स्ट सेट इज़ अगेन इयर रिंग सेट. आप देख सकते हैं इस तरह से लुक एट इट. सो या ये पूरा सेट है इयर रिंग्स का. इसमें काफ़ी सारे 3 हूप इयर रिंग्स हैं इन द डिफरेंट पैटर्न एंड जो 3 है वो स्टड इयर रिंग्स हैं जो कि आप अगर आपके यहाँ पे पियर्सिंग है तो आप यहाँ पे इनको वेयर कर सकते हैं, जो ऊपर दिए गए हैं छोटे वाले. सो दीज आर लुकिंग रियली वेरी गुड एंड मैं इनको वेयर करके दिखाती हूँ वन बाय वन. सो दीज आर द वेरी फर्स्ट इयर रिंग्स एंड आप देख सकते हैं ये 2-3 लेयर्स में हैं जो कि इसे बहुत ज़्यादा हैवी लुक दे रहे हैं, बट ये वेयर करने में इतने ज़्यादा हैवी नहीं है. आर रियली गुड एंड ये बहुत अच्छे से जाएंगे आपके वेस्टर्न वेयर के साथ, किसी भी टॉप या ड्रेसेस के साथ ये बहुत अच्छे से जाएंगे. दीज आर द सेकेंड इयर रिंग्स. ये थोड़े से चंकी इयर रिंग्स हैं एंड दे विल लुक लाइक दिस एंड आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा
सिंपल लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपकी ड्रेसेस के साथ। एंड ऑल्सो आप इनको कुर्ती के साथ भी वेयर कर सकते हैं। ये बिल्कुल एकदम मीडियम साइज़ है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दीज आर द थर्ड हुप ईयर रिंग्स जो कि जिसमें कि पर्ल का पूरा वर्क दिया गया है, पर्ल्स लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ अगेन लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो ये इस तरीके की जो हुप ईयर रिंग्स है वो आप डेफिनेटली सॉलिड कुर्तीज़ के साथ, साड़ीज़ के साथ आप इजीली स्टाइल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्यारा लुक आ रहा है इनमें, तो आप डेफिनेटली वाली भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको यू नो हुप ईयर रिंग्स पहनना पसंद है तो। इसके साथ में आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे हुप ईयर रिंग्स भी दिए गए हैं, दीज आर सिंपल। ये बहुत ज़्यादा स्टड हैं, तो आपके अगर यहाँ पे पियर्सिंग है ऊपर तो आप इजीली इनको वेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सेट लगा ये मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग, बिकॉज 270 या समथिंग का ये पूरा सेट था, विच इज़ रियली वर्थ इट। एंड ये गिफ्टिंग पर्पज़ के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। दिस आर फ्रॉम ज्वेल्स गैलेक्सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांड नेम भी लिखा हुआ है। इतने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ, इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स का यू नो वेयर करने के बाद मैं पिक्चर्स भी अपलोड कर दी मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो अगर आपने मुझे वहाँ तक वहाँ पे भी फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो मी देयर एज वेल, बिकॉज मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ एंड डेली के अपडेट्स डालती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे रील्स भी बनाती हूँ कभी कभी। तो या अगर आपको मुझे देखना पसंद है तो यू शुड डेफिनेटली फॉलो मी देयर एज वेल। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ अगेन अ सेट, एंड ये इस तरीके का सेट है। इसमें आपको पूरा नेक पीस, ईयर रिंग्स, रिंग एंड ब्रेसलेट 4 to 5 प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। सो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं इसकी क्वालिटी दिखा देती हूँ आप। क्वालिटी ये बिल्कुल यहाँ पे जरकन के स्टोन्स लगे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा दिखता है। एंड ये 4 to 5 कलर्स में था। एंड ये ब्रेसलेट है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंगिंग है, तो इस ये वेयर करने के बाद इस तरीके से आप इसको टाइट कर सकते हैं। किसी आप टाइट कर लेंगे तो यहाँ पे ये पर्ल की हैंगिंग्स आपको यू नो देखने में अच्छी लगती हैं, सो दैट्स व्हाई यू कैन वेयर दीज ऑन दोज डेज जब आपको बिल्कुल भी ज्वेलरी वेयर करने का मन नहीं करता बट यू हैव टू वेयर सम। सो दिस सेट इज़ फॉर दोज काइंड ऑफ डेज। सो ये वेयर करने के बाद इस तरीके का लग रहा है। एंड ये एक बहुत ज़्यादा स्लीक चोकर जैसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। एंड ये इसका ब्रेसलेट भी मैंने वेयर कर लिया है। इसके साथ में आई है एक ये रिंग जो कि है एडजस्टेबल, तो इसको भी वेयर करके दिखा देती हूँ मैं। ये आप रिंग देख सकते हैं, इस तरीके का इसमें लुक आ रहा है। एंड ब्रेसलेट, रिंग एंड नेक पीस आप देख सकते हैं, इस तरीके के लॉन्ग ईयर रिंग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है बट या दिखेंगे, मतलब आप इनको वेयर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि दिखेंगे नहीं, ये डेफिनेटली दिखने वाले हैं। सो यह देख सकते हैं आप, ये इस तरीके का लगने वाला है। एंड दिस इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहा है। एंड बिल्कुल ओरिजिनल जो डायमंड सेट्स आते हैं उनका रेप्लिका है ये, तो आप इसको ईजली यू नो ले सकते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश एंड एलिगेंट लग रहा है। साथ ही में ये पूरा सेट मिल रहा है आपको, जिससे कि यू नो काफ़ी अच्छे से मैचिंग करके आप इसको पहन सकते हैं। अ बिग फैट थम्स अप फॉर दिस, बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड ये है ब्रांड ज़ेनेमे से, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये लिखा हुआ है ब्रांड नेम, इट्स फ्रॉम ज़ेनेमे। सो द नेक्स्ट एंड द फिफ्थ प्रोडक्ट इज़ यू कैन सी स्टार प्रोडक्ट। एक्चुअली इस बारी इस वीडियो में एक नहीं दो स्टार प्रोडक्ट हैं, सो मैंने दोनों को लास्ट के लिए बचा के रखा था। सो दिस इज़ द नेक पीस सेट, एक ये नेक सेट है एंड नेकलेस सेट है, एक्चुअली ये नेकलेस है इसमें एंड ईयर रिंग्स है, बट दिस इज़ रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और ये थोड़ा सा चंकी है, थोड़ा सा हैवियर साइड पर है, बिकॉज ये मैंने साड़ी के साथ वेयर करने के लिए मंगाया था। एंड दिस इज़ अ रेप्लिका ऑफ सभ्यसाची जो ज्वेलरीज होती हैं, जिसमें कि बड़े बड़े कुंदन्स चल रहे हैं आजकल, अगर आपने देखे हो सभ्यसाची की ज्वेलरीज, सो ये उसका रेप्लिका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था पहनने के बाद, वेयर करने के बाद, दैट्स व्हाई मैंने इसको परचेज़ किया। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड सियोनी ज्वेल्स एंड पर्ल्स। एंड ये अगर आपको इसको देख के याद आ रहा हो तो मैंने मेरी लास्ट वीडियो में इसको वेयर करा था, जिसमें कि मैंने रेड साड़ी, जो साड़ी हॉल था मैंने उसमें इसको वेयर कर रखा था। एंड दिस वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल विद द साड़ी, बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा था ये साड़ी के साथ।
आप देख सकते हैं ये प्योर, आप इसको एज अ नेकलेस एंड एज अ चोकर दोनों तरीके से वेयर कर सकते हैं। देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है एंड ये पूरे आपके यू नो नेक को बहुत अच्छे से कवर कर लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे इसमें ग्रीन पर्ल्स दिए गए हैं, फिर यहाँ पे कुंदन, वाइट कुंदन है, फिर यहाँ पे रेड कुंदन लगाए गए हैं। दैन ये पूरा एक यू नो ये एंड ये ऐसा पीस है जो कि आप किसी भी साड़ी, किसी भी कलर की साड़ी के साथ इजीली वेयर कर सकते हैं। एंड इफ़ अगर आप इनको सॉलिड कलर की साड़ीज़ के साथ वेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। आप इनको, आप इसको लहंगे के साथ भी वेयर कर सकते हैं बिकॉज़ ये थोड़ा सा हैवियर साइड पे है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप सिंपल साड़ी के साथ भी इसको वेयर करेंगे। सो अगर आपने मेरी लास्ट साड़ी हॉल वीडियो में देखा हो तो मैंने इसको रेड साड़ी के साथ वेयर किया था एंड इट वॉज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एंड इसके साथ ईयररिंग्स भी आए हैं, सो मैं दिखा देती हूँ आपको। सो ये इस तरीके की ईयररिंग्स दिख रहे हैं, लग रहे हैं। सो यहाँ पे भी रेड कुंदन है बीच में एंड फिर वाइट कुंदन है एंड फिर यहाँ पे यू नो ग्रीन पर्ल्स की हैंगिंग है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे रहे हैं। एंड आप पास से दिखा देती हूँ मैं आपको, अगर आपको थोड़ा सा यू नो विजिबल हो रहा हो प्रॉपरली। लुक एट द इयर रिंग्स एंड ये पूरा सेट आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड सिंस अभी वेडिंग सीजन भी चालू है तो आप इजली इनको वेयर कर सकते हैं। यू नो अपनी आपके घर में किसी की वेडिंग है, आपके खुद की भी वेडिंग है, तो आप इसको यू नो किसी छोटे मोटे फंक्शन में वेयर करने के लिए ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ अ रियली वेरी गुड। दिखता ज़रूर हैवी है बट ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं पूरे दिन के लिए, अराउंड 7 to 8 hours आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज़ अ बैंगल। 2 sets मंगाए थे बैंगल्स के, एक मुझे रिसीव हो गया है आज, कभी मुझे रिसीव नहीं हुआ है जो कि प्रोबेबली आपको part 2 में देखने को मिलेगा। ये मैंने मंगाए हैं सिल्वर में, ये थोड़े से मुझे यू नो छोटे आ गए तो मैं ये वेयर करके नहीं दिखा पाऊँगी आपको। सी ये नीचे ही नहीं जा रहा है, सो मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको। ये सिल्वर कलर में है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न दिया गया है, यहाँ पे जाली वाला पैटर्न है प्लस यहाँ पे स्टोन्स लगे हुए हैं ग्रीन एंड रेड ऑल्टरनेट, यू नो ग्रीन एंड रेड स्टोन्स लगे हुए हैं लाइक जो कि इसको बहुत ज़्यादा हैवी लुक दे रहा है। एंड आप देख सकते हैं इस तरीके के अभी जो कड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। एंड इस तरीके की जो ब्लैक मेटल एंड सिल्वर ज्वेलरी है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आप इनको यू नो ब्लैक साड़ीज़ के साथ बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। प्लेन जो ब्लैक साड़ीज़ होती हैं उनके साथ आप इसको बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। सो ये मेरे को एक्सचेंज करना पड़ेगा, ये मुझे रिसीव हुए हैं 2.4 size में बट मैंने ऑर्डर किया था 2.6 बिकॉज मुझे 2.6 ही आता है। सो या दीज आर अगेन द स्टार प्रोडक्ट एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। तो आप आजकल लेयरिंग करके पहन रहे हैं लोग, लाइक चूड़ियाँ तो ऑब्वियसली पहनते ही हैं बट जो बैंगल्स हैं ये जो कड़े हैं इनकी लेयरिंग करके काफ़ी ज़्यादा लोग पहनना पसंद कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने इसको मंगाया था, ये मैंने एक्चुअली एक वीडियो के लिए मंगाए थे बट अब मुझे इनको एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। सो या नेवर माइंड, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे एंड अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी हैं, बिल्कुल भी फ्लिम्जी नहीं है, टूटेंगे नहीं। एंड ये जो स्टोन्स लगाए गए हैं ये भी काफ़ी इंटैक्ट हैं अंदर से, यस बहुत अच्छे से स्टिक किए गए हैं। सो या अगर आपको ये पसंद आ रहा है एंड इफ़ यू आर लुकिंग समथिंग इन सिल्वर बैंगल्स तो आप डेफिनेटली इनको बाय कर सकते हैं। 1-2 मैंने मंगाए थे, परचेज किए थे जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो आप मुझे वहाँ पे सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं किस तरीके की और वीडियोज़ लेके आऊँ अपने चैनल पे। एंड ये जो भी हॉल वीडियोज़ मैं लेके आ रही हूँ, यू आर लाइकिंग इट और नॉट, सब्सक्राइब बटन है यहाँ पे रेड कलर का, उसको क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दैट इज़ टोटली फ्री एंड इट मीन्स अ लॉट लॉट टू मी। उसी के पास में एक बेल आइकन भी है, उसको प्रेस कर देना ताकि जितने भी फ्यूचर में वीडियोज़ आने वाले हैं वो सारे के सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक इजिली पहुँच सकें एंड एक भी वीडियो मिस ना हो। सो या दैट्स इट गाइस, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।